हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट ही टॉपिक लेकर आई हूँ और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग आजकल एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम वी आर स्टडीइंग। सो ब्लड ऑल द बेसिक्स वी हैव स्टडीड, ब्लड सेल्स वी हैव स्टडीड, आई हैव अपलोडेड ऑल द वीडियोस रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड सेल का ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है, ब्लड का क्या फंक्शन होता है, वो सभी कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ने से पहले आपको ब्लड जानना जरूरी है। तो मैं बात करने वाली हूँ कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स नाम के जो सेल्स हैं, दिस इज ब्लड, प्लेटलेट्स नाम के सेल्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, जिनको कि हम लोगों ने क्या बोला था स्टूडेंट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो जब भी कोई इंजरी होती है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपके सामने बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई इंजरी हुई, सपोज दिस इज योर इंजर्ड सेल, इंजर्ड सेल है अगर ये, और यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स तुरंत वहां पे रिलीज होंगे, ब्लड प्लेटलेट सीक्रेट होंगे एट द इंजरी पार्ट, और उसके बाद वो क्या बनाने वाले हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, दे विल फॉर्म थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो बनेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, सो इन दिस रिएक्शंस, सो इंजर्ड सेल, एट द इंजर्ड सेल ब्लड प्लेटलेट्स इट विल सिक्रीट एट दैट प्लेस। आफ्टर दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन विल फॉर्म, आई टोल्ड यू ये। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इट विल गेट कन्वर्ट इन टू थ्रोम्बिन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इट विल गेट कन्वर्ट इन टू कैल्शियम, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इट विल गेट कन्वर्ट इन टू थ्रोम्बिन, एंड दिस थ्रोम्बिन इट विल फाइनली गेट कन्वर्ट, दिस इज एक्टिंग एज ए एक्टिवेटर एंड दिस विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इन टू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन इन टू फाइब्रिन, और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने के बाद क्या होगा, जो भी हमारा फाइब्रिन बना है वो विद द हेल्प ऑफ ये फाइब्रिन फाइनली क्या करेगा, ब्लड क्लॉट बनाएगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ मिलके। आप ऐसा यहाँ लिख सकते हैं, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी अलोंग विद द फाइब्रिन इट विल फॉर्म ब्लड क्लॉट। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। और अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी प्लाज्मा वर्सेस सीरम का। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।